नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्थान पर नए मुख्यमंत्री का फैसला करने के लिए आज प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सरकार ने घरेलू एयरलाइंस को 85% सीट क्षमता के साथ उड़ान संचालन की अनुमति दी। भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 80 करोड़ के पार, स्वस्थ होने की दर 97.65%। उत्तर प्रदेश में आगरा और कानपुर मेट्रो ट्रेन सेवा इस वर्ष नवंबर से शुरू होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से बातचीत करेंगे। देश के विभिन्न भागों में प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ 10 दिन का गणेश उत्सव आज संपन्न हो जाएगा। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के विदर्भ और मुंबई क्षेत्र में कल से तेज बारिश की आशंका व्यक्त की। और क्रिकेट में आईपीएल टूर्नामेंट के बाकी मैच आज से दुबई में शुरू। शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्थान पर नया नेता चुनने के लिए प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की आज चंडीगढ़ में फिर बैठक होगी। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय माकन, हरीश रावत और हरीश चौधरी भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। सभी विधायकों और मंत्रियों से कहा गया है कि वे बैठक में उपस्थित रहें। कल की बैठक में कांग्रेस विधायक दल ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री तय करने के लिए अधिकृत किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्थान पर नए नेता के लिए नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा सुनील जाखड़, प्रताप बाजवा तथा राज्य के मंत्रियों सुखजिंदर रंधावा, सुखविंदर सिंह सरकारिया और त्रिपत राजिंदर बाजवा के नाम लिए जा रहे हैं। पंजाब में अगले वर्ष के शुरू में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 27 मार्च को समाप्त हो रहा है। इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वे राष्ट्रहित को देखते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाए जाने का विरोध करेंगे। He is going to be a disaster. लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है। दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। इस्तीफे की घोषणा करते हुए कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस लगातार उन्हें अपमानित कर रही थी। फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। जो मेरे सपोर्टर्स ने जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूं आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा, अपने लोगों से, और फिर मैं फैसला करूंगा। नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइंस को 85% सीट क्षमता के साथ उड़ान संचालन की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने इस संबंध में 12 अगस्त के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि सीट क्षमता 72.5% से बढ़ाकर 85% की गई है। अनुसूचित घरेलू उड़ान संचालन और विमान यात्रा के लिए बढ़ती मांग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद यह फैसला किया गया। ये परिवर्तन अगले आदेश तक लागू रहेंगे। कोविड संबंधी अन्य सभी प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। भारत ने कोविड महामारी से लड़ाई में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 80 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 80,33,75,000 टीके लगाए जा चुके हैं। कल 77,25,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस उपलब्धि पर देश को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे तेज और सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले केवल 11 दिन में 10 करोड़ टीके लगाए गए हैं। देश में सबको टीके लगाने का नया चरण इस
वर्ष 21 जून को शुरू किया गया था। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीके मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। भारत में स्वस्थ होने की दर 97.65% पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में आगरा और कानपुर में इस वर्ष के अंत में मेट्रो रेल सेवा शुरू हो जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में वर्चुअल माध्यम से इन दो परियोजनाओं के लिए पहली रेलगाड़ी के प्रतिरूप का अनावरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आगरा और कानपुर में लोगों को मेट्रो रेल की सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है और इस वर्ष 30 नवंबर के आसपास इन शहरों में मेट्रो की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि दोनों शहरों में मेट्रो सेवा के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो के सफल संचालन के बाद अब प्रदेश में अन्य शहरों में भी मेट्रो संचालित करने के प्रयास हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी और मेरठ में मेट्रो सेवा के DPR अंतिम चरण में हैं। आगरा में पहले चरण में मेट्रो सेवा 6 किलोमीटर के दायरे में ताज पूर्वी गेट से लेकर जामा मस्जिद तक और कानपुर नगर में पहले चरण में IIT कानपुर से मोती झील तक संचालित की जाएगी। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और हितकर वातावरण तैयार करने का आह्वान किया है ताकि पूरी सामर्थ्य के साथ वे आगे बढ़ सकें। संसद भवन में कल महाकवि सुब्रह्मण्य भारती की जन्म शताब्दी पर कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा महिलाओं को देवी के समान पूजनीय माना है। भारती की समानता की दृष्टि का जिक्र करते हुए उन्होंने उन सभी बाधाओं और भेदभाव करने वाले विचारों को दूर करने पर बल दिया जो समाज को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और लिंग के आधार पर विभाजित करते हैं। उन्होंने युवाओं से स्वयं को राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित करने को कहा और ऐसे भारत का विकास करने का आह्वान किया जो गरीबी, निरक्षरता, भूख और भेदभाव से मुक्त हो। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्थान पर नए मुख्यमंत्री का फैसला करने के लिए आज प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सरकार ने घरेलू एयरलाइंस को 85% सीट क्षमता के साथ उड़ान संचालन की अनुमति दी। भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 80 करोड़ के पार। स्वस्थ होने की दर 97.65%। उत्तर प्रदेश के आगरा और कानपुर में मेट्रो ट्रेन सेवा इस वर्ष नवंबर से शुरू होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से बातचीत करेंगे। देश के विभिन्न भागों में प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ 10 दिन का गणेश उत्सव आज संपन्न हो जाएगा। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के विदर्भ और मुंबई क्षेत्र में कल से तेज बारिश की आशंका व्यक्त की। और क्रिकेट में IPL टूर्नामेंट के बाकी मैच आज से दुबई में शुरू। शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। सोमवार को प्रिंस फैसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। वे 3 दिन की सरकारी यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार का लक्ष्य प्रत्येक गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना, प्रत्येक व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराना, प्रत्येक बेरोजगार को रोजगार देना और देश के प्रत्येक परिवार तक विकास के लाभ पहुंचाना है। श्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए रसोई गैस के 5 लाख कनेक्शन जारी किए। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर काम कर रहे हैं।
गरीब कल्याण के लिए भी एक कार्यक्रम किया गया, उज्ज्वला योजना 2 का शुरुआत किया गया, 5 लाख गरीब माताओं को गैस के सिलेंडर दिए गए और मोदी जी ने जो गरीब कल्याण का एक यज्ञ शुरू किया है, अंत्योदय का एक अभियान, वो अभियान में हम आज एक कदम और आगे। हर गरीब को घर देना, घर के अंदर ही शौचालय देना, घर के अंदर बिजली देना, घर के अंदर गैस देना, 5 लाख तक का सारा आयुष्य और आरोग्य का खर्चा केंद्र सरकार के द्वारा उठा लेना और घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना, यही तो अंत्योदय है। देश में एथेनॉल की आपूर्ति के लिए समर्पित संयंत्रों के उद्देश्य से प्रस्तावित दीर्घकालिक समझौते के लिए 197 बोलीदाताओं ने रुचि व्यक्त की है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशन में तेल विपणन कंपनियों ने 27 अगस्त को निविदाएं आमंत्रित की थी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सभी बोलीदाताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि इसके माध्यम से देश को आगामी वर्षों में 20% एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य पूरा करने का मार्ग प्रशस्त होगा। देश के विभिन्न भागों में प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ 10 दिन का गणेश उत्सव आज सम्पन्न हो जाएगा। मुंबई में आज गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि हाल ही में संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी को देखते हुए पुलिस को विशेष रूप से हाई अलर्ट किया गया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक 100 अधिकारियों समेत 1500 पुरुष, सीआरपीएफ की एक कंपनी, 500 होमगार्ड, बाहरी इकाइयों से 275 कांस्टेबल की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा विसर्जन स्थलों पर लाइट, क्रेन, स्विमर्स, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य सभी सुरक्षा संबंधित विभागों की व्यवस्था की जाएगी। होटल, लॉज, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों ने गणेश मंडलों, शांति समितियों, मोहल्लों समितियों और अन्य हितधारकों के साथ भी बैठकें की। पूजा पाल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र के विदर्भ और मुंबई क्षेत्रों में कल से मूसलाधार बारिश की आशंका है। क्षेत्रीय मौसम केंद्र की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ शुभांगी भूते ने बताया कि बंगाल की खाड़ी पर चक्रवात की स्थिति बन रही है, उसके और तीव्र होने पर महाराष्ट्र में 20 सितंबर से तेज बारिश हो सकती है। पहले विदर्भ क्षेत्र में वर्षा होगी, पूर्व से पश्चिम तक राज्य के पूरे उत्तरी क्षेत्र में इसका असर रहेगा, लेकिन 1-2 जगहों पर बहुत तेज वर्षा हो सकती है। उत्तरी महाराष्ट्र के बाद तटीय जिलों पालघर, ठाणे और मुंबई में बरसात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित उड़िया साहित्यकार मनोरमा महापात्रा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न मुद्दों पर रचनाओं के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रीमती महापात्रा ने मीडिया के क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान दिया और व्यापक स्तर पर समाज की भी सेवा की। प्रधानमंत्री ने श्रीमती महापात्रा के परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। केंद्र सरकार के लोक संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल श्रीनगर जिले के खोनमोह क्षेत्र का व्यापक दौरा किया। डॉ जितेंद्र सिंह खोनमोह में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO अस्पताल गए और वहां रोगियों को दी जा रही सुविधाओं और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रीनगर में सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और जिला आयुक्त से कहा कि वे अस्पताल में डायलिसिस केंद्र की स्थापना करें और बेहतर कार्यप्रणाली के लिए डॉक्टरों और तकनीशियनों की पर्याप्त संख्या निर्धारित करें। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य संस्कृति में परिवर्तन आया है और विकास की गतिशीलता बढ़ी है। वर्तमान सरकार ने निचले स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ किया है और राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की है। इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सशक्त किया गया है। तेलंगाना ड्रोन तकनीक का उपयोग करने में अग्रणी है और तेजी से ड्रोन राजधानी के रूप में परिवर्तित हो रहा है। नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव अंबर दुबे ने कल मीडिया और दक्षिणी राज्यों के अधिकारियों की वर्चुअल बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में हैदराबाद न केवल देश के अन्य शीर्ष शहरों के साथ मुकाबला कर सकता है, बल्कि वो चीन और पश्चिमी देशों के साथ भी प्रतिस्पर्धा की क्षमता रखता है।
उन्होंने कहा कि हैदराबाद में देश की ड्रोन राजधानी बनने की बड़ी संभावनाएं हैं। श्री दुबे ने कहा कि राज्य सरकार ड्रोन उद्योग को प्रोत्साहित कर रही है और ड्रोन कंपनियों की सफलता और विकास के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने आज 4.5 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य ने इन 4 वर्ष 6 महीनों में विकास की कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अखबार में लिखे एक लेख में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि आसानी से कारोबार के सूचकांक में राज्य 14वें से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने 4,50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किए हैं और 1,61,00,000 से अधिक युवकों को निजी क्षेत्र में नौकरियां मिली हैं। इसके अतिरिक्त 60,00,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार की सुविधा से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, लेकिन राज्य सरकार ने इस चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने में कामयाबी हासिल की और आपदा को अवसर में बदला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों को सुरक्षा प्रदान कर रही है और उनके कल्याण तथा खुशहाली को सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों को सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के केंद्र में रखा गया है। राज्य सरकार ने किसानों के ऋण माफ किए हैं और उनकी आय दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों के बकाए की बड़ी रकम का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2020-21 में राज्य में 618.19 लाख मीट्रिक टन अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। पहला मैच शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। कोरोना के कारण स्थगित इस टूर्नामेंट में अब तक 29 मैच खेले गए थे। टूर्नामेंट के शेष 31 मैच अगले 27 दिनों में खेले जाएंगे। ये मैच दुबई, अबुधाबी और शारजा में होंगे। पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करके भारत को पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों के नाम खेल पुरस्कारों के लिए भेजे गए हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने निशानेबाज मनीष नरवाल, ऊंची कूद एथलीट शरद कुमार, पैरा शटलर प्रमोद भगत और भाला फेंक खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर के नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए सरकार को भेजे हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। भारत को 5 स्वर्ण सहित कुल 19 पदक हासिल हुए थे। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से कई पदक विजेताओं के नाम खेल पुरस्कारों के लिए भेजे गए हैं। इन सभी खिलाड़ियों ने हालिया पैरालंपिक खेलों में पदक जीते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आज रात 9:15 बजे से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है, सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के। इसके अंतर्गत आज का विषय है पंचायतें और सहकारी समितियां। ये देश में पंचायतों और सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प और निष्ठा पर आधारित है। इसके अलावा आज रात 9:30 बजे से कोरोना तथा निपा वायरस के बारे में जागरूकता बढ़ाने संबंधी हमारी श्रृंखला में नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगी। स्वतंत्रता आंदोलन के वे शब्द, नारे और कविताएं जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार करने का काम किया, ऐसे शब्दों और लेखन से आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है। धरोहर कार्यक्रम हमारे परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक सोमवार को शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर।
आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ, एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज जाने माने स्वतंत्रता सेनानी बलवंत राय गोपाल जी मेहता की पुण्यतिथि है। 19 सितंबर 1965 को भारत पाक युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वो अपनी पत्नी और कुछ अन्य लोगों के साथ जिस विमान में यात्रा कर रहे थे उसे पाकिस्तानी वायुसेना ने मार गिराया। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 19 फरवरी 1900 को भावनगर में जन्मे बलवंत राय गोपाल जी मेहता 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और औपनिवेशिक दमन का जमकर विरोध किया। उन दिनों औपनिवेशिक दमन के विरुद्ध डटे रहना बहुत कठिन था। बलवंत राय मेहता ने कला स्नातक की पढ़ाई पूरी की, लेकिन देश प्रेम के चलते औपनिवेशिक सरकार से डिग्री लेने से इनकार कर दिया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में मौजूद साम्राज्यवादी शक्तियों पर अपना रुख सार्वजनिक करने के बाद वो सन 1920 में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और स्वाधीनता की लड़ाई में दिलो जान से जुट गए। उन्होंने गुजरात में स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 1921 में भावनगर प्रजा मंडल की स्थापना की। मेहता ने 1930 से लेकर 1932 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने अन्यायपूर्ण टैक्स लगाए जाने के विरुद्ध इतिहास प्रसिद्ध 1928 के बारडोली सत्याग्रह में भी सक्रिय भागीदारी की। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए 3 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। ब्रिटिश राज के दौरान बलवंत राय मेहता 7 साल जेल में रहे। सन 1957 में उनकी ही अध्यक्षता में बनी समिति ने देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर अपनी रिपोर्ट दी, जिसे आज हम पंचायती राज के रूप में जानते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की ही रिपोर्ट की बुनियाद पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। इसी समिति ने स्थानीय निकायों को नियोजन और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण देने को कहा। मेहता का ये काम बेहद शानदार रहा, जिसका फायदा आज समाज के निचले वर्ग तक को मिल रहा है। पंचायती राज व्यवस्था को ताकतवर बनाने की संस्तुति के चलते ही बलवंत राय मेहता को पंचायत राज के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। समर्पण और दृढ़ व्यक्तित्व के धनी बलवंत राय मेहता अपने पीछे ऐसी अमर विरासत छोड़ गए हैं जिसकी वजह से इतिहास में उनका नाम सदा अमर रहेगा। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा।
साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का अमृत महोत्सव क्विज के उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेजे जा सकते हैं। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में भी बादल छाए रहेंगे। लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। हैदराबाद, बेंगलुरु, पुदुचेरी और तिरुअनंतपुरम में बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। तापमान 21 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। चंद्रिका, आज के लगभग सभी अखबारों ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से अमरिंदर सिंह के इस्तीफे को बड़ी सुर्खियों में दिया है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अपमानित अमरिंदर ने छोड़ी कप्तानी। हरिभूमि ने खबर को शीर्षक दिया है, कांग्रेस के हाथ से उड़ता पंजाब। जनसत्ता लिखता है, पंजाब कांग्रेस विधायकों की बार बार बैठक से टूटा सब्र का बांध। दैनिक भास्कर ने इसे कैप्टन मुक्त कांग्रेस शीर्षक दिया है। अखबारों ने कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा नए विधायक दल के नेता के चयन की खबर भी साथ ही दी है। दैनिक ट्रिब्यून ने वरिष्ठ नेता शशि थरूर के इस बयान को अहमियत दी है कि कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए स्थायी अध्यक्ष की आवश्यकता है। कोरोना की स्थिति को भी अखबारों ने महत्व देते हुए लिखा है, देश में फिलहाल तीसरी खुराक की जरूरत नहीं। विशेषज्ञों ने कहा कि आबादी के अधिकांश हिस्से का टीकाकरण पूरा हो जाने से ही आदर्श स्थिति होगी, फिलहाल दो खुराक ही प्राथमिकता। दैनिक जागरण ने रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन के बाद केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन को गति देने के प्रधानमंत्री के आश्वासन को अहमियत दी है। जनसत्ता ने प्रधान न्यायाधीश के हवाले से लिखा है, विधि व्यवस्था का भारतीयकरण समय की जरूरत, न्याय प्रणाली का सरलीकरण अहम विषय होना चाहिए। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, भारत नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कल से उत्तराखंड में शुरू होगा। दैनिक भास्कर ने विशेष शीर्षक से खबर दी है, भारत की होनहार बेटी पुपुल बिस्ट मानवता के भविष्य के बारे में विचार साझा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्षेत्रवें सत्र के मंच पर आमंत्रित। राजस्थान की कावड़ कथा के जरिए विचार रखेंगी। पीपल बेस्ट दुनिया के 30 देशों के सिविल सोसाइटी लीडर्स के साथ हिस्सा लेंगी। मेट्रो की ग्रे लाइन के नजफगढ़ के ढांसा स्टैंड तक विस्तार का परिचालन शुरू होने की खबर दैनिक जागरण और नवभारत टाइम्स ने चित्र सहित दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्थान पर नए मुख्यमंत्री का फैसला करने के लिए आज प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सरकार ने घरेलू एयरलाइंस को 85% सीट क्षमता के साथ उड़ान संचालन की अनुमति दी। भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 80 करोड़ के पार। स्वस्थ होने की दर 97.65%। उत्तर प्रदेश में आगरा और कानपुर मेट्रो ट्रेन सेवा इस वर्ष नवंबर से शुरू होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से बातचीत करेंगे। देश के विभिन्न भागों में प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ 10 दिन का गणेश उत्सव आज संपन्न हो जाएगा। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के विदर्भ और मुंबई क्षेत्र में कल से तेज बारिश की आशंका व्यक्त की। और क्रिकेट में आईपीएल टूर्नामेंट के बाकी मैच आज से दुबई में शुरू। शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।